रक्षाबंधन के त्यौहार पर गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी लीडर बी रेणुकाचार्य ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखते हुए मुस्लिम खवातीन के हाथों रक्षाबंधन बंधवा कर मोहब्बत का पैगाम दिया है। बी रेणुकाचार्य बीजेपी लीडर और एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हुए मुसलमानों की ईद हो या हिंदुओं का त्यौहार, हर मजहब के साथ ये खुशियां मनाते नजर आते हैं। और 2023 एमएलए इलेक्शन के लिए गुलबर्गा साउथ से अप्पू गौड़ा के अलावा एक और नाम बी रेणुकाचार्य का भी एमएलए एस्पिरेंट के तौर पर दिल्ली हाईकमान को भेजा गया था। बी रेणुकाचार्य सियासी लीडर होने के साथ एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हमेशा बिना तफरीक मजहब और मिल्लत आवाम की मदद करते आए हैं। इन्होंने रक्षाबंधन के त्यौहार पर गुलबर्गा आनंद नगर के आसपास मौजूद मुस्लिम गलियों में जाकर मुस्लिम खवातीन जो इनको अपना भाई मानती हैं उनके हाथों राखी बंधवा कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम दिया है। इस मौके पर सभी मुस्लिम खवातीन ने बी रेणुकाचार्य को राखी बांधकर रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी है। और बी रेणुकाचार्य ने मुस्लिम बहनों का शुक्रिया अदा कर कहा, गुलबर्गा हजरत ख्वाजा बंदा नवाज और शरण बसवेश्वर की सरजमीन है, जो गंगा जमुना तहजीब के लिए जानी जाती है। यहाँ हिंदू हो या मुस्लिम, हर मजहब के लोग भाईचारगी के साथ रहते हैं। इस मौके पर बी रेणुकाचार्य ने कहा, यह किसी एक मजहब के लीडर नहीं बल्कि हर कौम के लीडर बनना चाहते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार पर मजीद उन्होंने क्या कहा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। प्रथम रक्षाबंधन सोदर सोदरिगू शुभाशय ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಸಹಕಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಿ ರೇವಣಕಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಈ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಕಾಣುವ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ನೀರಿನ ಹಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ಆರಿ ಹೋದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು ಸಹ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ इस रक्षाबंधन के अवसर पर, शुभ अवसर पर दो तीन शब्दों को तहे दिल से गुजारिश करना चाहता हूं। पहले मेरा दिल के अंतराल से, मेरा दिल की गहराई से मेरा प्यारे मुस्लिम बहनों को इस रक्षाबंधन का बधाई देना चाहता हूं। जो खून का रिश्ता होता है वही रिश्ता नहीं, जो प्यार मोहब्बत का होता है रिश्ता, जो धर्म जात को छोड़कर रिश्ता होता है, जो रिश्ता निभाते हैं वो रिश्ता रिश्ता होता है। मैं पहली दो तीन मर्तबा जो मेरे दोस्तों ने इस गुलबर्गा में, गुलबर्गा शहर में मेरे दोस्तों में दोस्तों ने रमजान के इफ्तार पार्टी में बुलाए थे, उस वक्त भी मैं एक शब्द में तहे दिल से बोला था, जिसके पास ईमान है वो मुसलमान है। वही शब्द को दोबारा दोहराना चाहता हूं। और उसके अलावा आज मैं सुबह में उठते ही एक आलोचना मेरा दिल में आया कि मैं आज राखी मेरा गुलबर्गा के प्यारे मुस्लिम बहनों के हाथ से राखी बांधाऊंगा बोल के डिसाइड किया मैं। और दोपहर में मैं जो मेरा घर के आनंद नगर, गुलबर्गा के आनंद नगर के मेरा आजू बाजू एरिया के सब बहनों को मिला तो हर्ष से खुशी से सब बहनों ने बोला, भाई आप आ जाओ, हम आपको राखी बांधेंगे, हम बधाई देंगे। मेरे को बहुत खुशी हुआ। उसके दौरान मैं इस वक्त मैं हमारे बहनों के बीच में मौजूद हूं। जो राखी बंधन होता है आपने सोशल मीडिया में, न्यूज में सुना होगा, देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े मठ के पुरुषों को, मठ के महंत शिवाचार्य को आज बहुत खुशी से मुस्लिम बहनों ने राखी बांध रहे। जो राखी बांधते हैं, जो रक्षाबंधन है, ये धागे का जो ताकत है, ये धागे में ऐसा ताकत है जो भाई को बहन को झगड़ के मरते दम तक मजबूत रखता है, यही रक्षाबंधन है। जो बहन का मान का, बहन का मान का पालन करना, रक्षा करना भाई का होता है, और भाई का जान का रक्षा करना एक बहन का होता है आशीर्वाद। इसलिए मैं और एक बार दोबारा कहना चाहता हूं, जो खून का रिश्ता है वो रिश्ता नहीं है, बहन का रिश्ता नहीं है। जो प्रेम, विश्वास,
और अपना आचार विचार से जो हर जात के हर धर्म के जो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो हर बहने हमारे घर के खून के रिश्ते से बहन से भी ज्यादा रिश्ता है बोल के इस मौके पे कहते हुए मैं आज मेरे बहनों के हाथ से रक्षा बांध ले रहा हूँ और आप सभी गुलबर्गा निवासियों को और पूरे कर्नाटक के हिंदुस्तान के सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बहनों को मैं यहीं से बधाई देता हूँ। सब लोग अपने भाइयों के लिए तैयार रहना जान का रक्षा करना और सब भाइयां अपने सब बहनों के मान का रक्षा करने के लिए तैयार रहना आश्वासन देता हूँ। गुलबर्गा में थोड़ा गौर से सुनिए मैं जो ये वर्ड बोल रहा हूँ, जो गुलबर्गा में इधर हिंदू मुस्लिम बहुत संख्या में है, आज मैं वादा करता हूं इधर हिंदू मुस्लिम एक ही घर के भाई बहन के जैसा रिश्ता मरते दम तक निभाएंगे और किसका भी समस्या आएगा मैं उसके हल करने के लिए न जात देखूंगा न पात देखूंगा, मैं अपना खून बहा के सब लोगों का समस्या हल करने में जटा रहूंगा बोल के वादा करते हुए अपने प्यारे मुस्लिम बहनों के हाथ से रक्षा बंधन कर लेने का अवसर जो मिला है बहुत खुशनसीब समझता हूं मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ। ये मौका किसी को नहीं मिलता, मेरे को मिला है, ये सौभाग्य है मेरा समझ के अपना बहनों के हाथ से रक्षा बंधन कर ले रहा हूँ। बी रेणुकाचार्य हमारे खबरस्तान में आके बहनों के हाथ से राखी बांध ली है वो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक आके हमारे को इज्जत दिए बहुत बड़ी बात है। बी रेणुकाचार्य हमारे महल में आके ये सब बहना भाइयों के हाथ से राखी बांध लेके जा रहे, हमारे जो भी तमन्ना है करते बोल के खुबू लिए हमारे गौर गरीब के ऊपर, आज अचानक आए ऐसा है सब जनों को राजी करके, हमारी क्या तमन्ना थी कि उनकी क्या खुशी थी कि हमारे हाथ से राशि बन ली है। रेणुकाचार्य है यहाँ हमारे लिए सब अच्छा कर गए, शुक्रिया बहुत बहन भाई। हमारे भाई बी रेणुकाचार्य को आज रक्षाबंधन के दिन राखी बांध।